हाँ भाई, हाँ सुने ना इस गजल के अल्फाज। मैं एक्चुअली गुलाम अली को इसलिए पसंद करता हूँ, गुलाम अली साहब गजल सिंगर है। होम्योपैथिक लैंग्वेज में अगर गए तो कम्युनिकेटिव गजल, वो जो फील है वो एग्जैक्टली अपने वर्ड्स में। देखो ये टाइप कर दिया किसी ने, बहुत ही अच्छा अशोक साहब भी है हमारे शायर है दूसरे। तो किस जिस वर्ड पे जो स्ट्रेस देना है वो स्ट्रेस एग्जैक्टली इंसाफ देते हैं वर्ड्स को और हमें समझने में आसानी रहता है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये हम पाइटी नॉक्टर्नल समझने में बहुत ही यूजफुल गजल है कि एक वरना इन तारों भरी रातों में क्या होता। जिन गुलाम अली साहब ने जो गाया है कि क्या नहीं होता, उनका जो फीलिंग जो बताता है ना, हम कहते हैं ना कि भाई बाकी रातों में क्या नहीं होता यार, हम करते नहीं है बाकी रातों में क्या नहीं होता। तो गुलाम अली साहब ने जो बताया ना कि होता नहीं, इस टाइप के जो खींचते हैं तो पूरी फील समझ में आ जाती है। तो ये एक ही जो काफी है मतलब इसका गजल का समझने की। पायटी यानी एक पवित्रता, धर्म परायणता है पवित्रता। उर्दू में बहुत ही अच्छा वर्ड है तकवा। तकवा परहेजगारी यानी छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना, तन्हाई के गुनाहों से मतलब आदमी अकेला होता है। यानी स्ट्रेमोनियम जो है ना वो बहुत ही पायवस पर्सनालिटी होता है। एक स्टेज ऐसा होता है जो बहुत ही पायवस पर्सनालिटी होता है वो, तो उसमें उसके जो दूसरे सपोर्टिव रूब्रिक है, एक तो उसका डिक्शनरी मीनिंग ध्यान में रखते हैं कि पायटी यानी पवित्रता, परहेजगारी, धर्म परायणता यानी धार्मिक तो सभी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बारीकियों से कि भी छोटा सा भी ऐसा पाप नहीं करना है। तन्हाई में जहां पाप का मौका है, वरना इन तारों भरी रातों में क्या होता नहीं, लेकिन एक वादा है इसी का, इसका यहाँ पे हम गॉड का लेंगे ना, कि गॉड ने मना किया ना पाप करने को, मैं नहीं करूंगा, उससे वादा है। बाकी तारों भरी रातों में क्या नहीं होता, रातों में क्या नहीं कर सकते, हर तरह के पाप कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेमोनियम इतना पायवस होता है कि वो रातों की तन्हाई में जब उसे कोई देखता ही नहीं है तब भी वो मतलब पाप से बचता है, इतने पवित्रता। इसलिए हमारे पास रूब्रिक है डिलीजन प्योर ही इज, और डिलीजन कम्युनिकेशन विद गॉड, और तीसरा भी एक सपोर्टिव रूब्रिक है जो मुझे याद नहीं आ रहा, गॉड फियरिंग पर्सनालिटी होता है। रिलीजियस है, टू मच रिलीजियस है, डिल्यूजन कम्युनिकेशन विद गॉड, डिल्यूजन प्योर ही पवित्र है उसका सर, मैं प्योर हूँ, परहेजगार हूँ, धर्म परायण हूँ, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, रातों की तन्हाइयों में भी मतलब वो पाप नहीं करता है, इतनी उसकी हाई रिलीजियसनेस होती है। ये पायटी नॉक्चुरनल होता है, ना कि हमारे यहाँ जो मिनी अच्छा उसमें रात में जो पायटी जो आदमी पायोस आदमी है वो रातों को इबादत भी करता है, भक्ति में लीन भी रहता है। लास्ट टाइम हम यहाँ तक रुके थे, लेकिन ओरिजिनल मीनिंग जो डेप्थ ये है कि वो इतना पवित्र होता है, डिलीजन प्योर इज, और कम्युनिकेशन विद गॉड, और दूसरे भी रूब्रिक इसके सपोर्टिव है। इन रूब्रिकों रूब्रिक्स के जो गवाह है, ये रूब्रिक्स गवाह है कि एक स्टेमोनियम पायोस है, और इनको मद्देनजर रखते हुए इस मीनिंग को समझा जाता है कि ये रातों की तन्हाइयों में, तारों भरी रातों में क्या क्या नहीं होता, क्या नहीं कर सकता कोई, कौन रोकने आता है, लेकिन फिर भी ये तन्हाइयों में भी गुनाह नहीं करता, पाप नहीं करता है। तो ये डिलीजन प्योर ही इसका जो इसका सबूत है। और हम यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे, हमारे ही ग्रुप में 2 साल पहले इस रूब्रिक को डिस्कस जब किया गया था अभी, तो उसमें ये लोग मीनिंग लेते हैं कि बीमारी के अंधेर में जब ये गिर जाता है तो फिर ये भगवान को याद करता है, खुदा को याद करता है, तो ये बिल्कुल पायवस का मीनिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जो हम मीनिंग लिया जाता है कि रातों के मतलब के डार्क यानी अंधकार होता है, और फिर वो जो बीमारी से डर जाता है, बीमारी से गिर जाता है, बीमारी के अंधेरे में जो घूम जाता है, और उस टाइम ये भगवान को पुकारता है और भक्ति करता है, दुआएं मांगता है, दुआ मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रेइंग वर्ड अलग है हमारे पास, पायुवस वर्ड का मीनिंग ଝିଅ प्रेइंग। ଝିଅକୁଟି ହଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଝିଅକୁଟି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଶୂନ୍ୟ ଝିଅକୁଟି ଆସିବ ପେଟ ଇଏ ହେଇକିରି ଶଶାଙ୍କ ତାପରେ ସାର୍ ଇନକୋ ଖାଦ୍ୟ ମ୍ୟୁଟ ଝିଅକୁଟି କରି ଦିଜିଏ। ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ।
वायुगुड़ा दुर्गंध। तो ये मीनिंग है पायुस पायटी नॉक्चुरल का, ये मीनिंग है कि वो इतना पवित्र होता है कि वो गुना मतलब जरा सी मतलब उसको पाप करने का मौका मिलने पर भी, जो गुलाम अली साहब ने जो दूसरा मतलब पढ़ा ना कि जी में आता है कि उलटते उनके चेहरे से नकाब, हौसला करते लेकिन हौसला होता नहीं, वरना इन तारों भरी रातों में क्या क्या होता नहीं। तो ये क्या होता है कि ये खौफ है ना कि भाई मुझे पवित्र रहना, आई एम प्योर, आई एम प्योर। सर इसी का सेकंड रूब्रिक है, सेकंड रूब्रिक है जिसमें प्रेइंग पाइटी नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल होता है, उसका उसका क्या वर्जन होगा सर? ये वर्जन नहीं आता इसमें, तो पेशेंट अपनी हिस्ट्री से बताता है कि भाई मैं कभी मैंने किसी कभी शराब को भी नहीं छुआ, मैं कभी हराम काम नहीं करता हूँ, मैं कभी भी अकेले में जिसमें जिसमें सर प्रेइंग जिसमें प्रेइंग आता है उसको हम कैसे लेंगे, वो क्या कहेगा पेशेंट? प्रेइंग में क्या होता है, आदत करता है, कहेगा नहीं वो इसमें, हर हर रूब्रिक में कहेगा ही, ये मत सोचो हर रूब्रिक के वर्बल मीनिंग वर्बल वर्जन नहीं होते हैं, वो उनकी जो जो हिस्ट्री हम लेते हैं उनकी जो बातें हैं उस पर से हमें एक्सपेक्ट करना होता है। हर रूब्रिक को वो नहीं कहेगा कि मैं नॉक्चुरनल सर, मैं नॉक्चुरनल पायस आदमी हूँ और मैं प्योर आदमी हूँ और मैं खुदा के कॉम्युनिकेशन में, इस तरीके से नहीं कहेगा वो, ऐसे आएंगे ही नहीं, वरना अगर ऐसे ही आते तो हमारा होम्योपैथी अभी फर्स्ट नंबर पे होता, हमें रेमेडी सिलेक्ट करने में, ये सब सेमिनार्स की और ये सब डिकोडिंग रूब्रिक के डिकोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हर बार वो वर्जन कर देता ही नहीं है, वो तो हमें ऑब्जर्व करना होता है, हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो ठीक हो गया समंदर रहता है, हमें सीपिया चुननी होती है अंदर से, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है कि पेशेंट जब बात करेगा तो उसकी बातों पर से पता लगे भाई बहुत ही तकवे वाला आदमी है, बहुत ही परहेजगार, बहुत ही धर्मपरायण आदमी है, भगत आदमी है, और उर्दू में बहुत मस्त वर्ड है उसका तकवा, जो दूसरी लैंग्वेज में गुजराती में भी पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन धर्मपरायण कहते हैं हमारे गुजराती में, हिंदी में भी धर्मपरायणता कहते हैं, ये इतना मतलब गॉड फियरिंग आदमी होता है कि तन्हाई में भी उसको ये एहसास होता है कि गॉड देख रहा है, मैंने गॉड से वादा किया कि मैं तेरा पाप नहीं करूंगा, तो वो बिल्कुल संभल के रहता है, डिलीजन प्योर ही है, डिलीजन कम्युनिकेशन विद गॉड। तो इससे जुड़ा हुआ, इन रूब्रिकों से जुड़ा हुआ ये रूब्रिक है, ना कि बीमारी के अंधकार में डूब जाने पर वो प्रे करता है, प्रेइंग लिविंग में है वो प्रे करता है, लेकिन इस रूब्रिक का मीनिंग ये नहीं है। तो जो जी सर दोनों में सिंगल सेट्रामोनियम है, हाँ सेट्रामोनियम तो बहुत सारे रूब्रिक्स में है, लेकिन अभी हमें वो पायोस जो नॉक्चुरल नॉक्चुरल जो हमें लास्ट टाइम जो डिस्टरबेंस की वजह से पूरा समझा नहीं सके थे, इसलिए मुझे अभी ये इसको लेना पड़ा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब इसको एंड करते हैं, टाइम इज ओवर, आई थिंक इट इज हाई टाइम टू एंड द सेशन। डॉक्टर हारून एक क्वेश्चन एक आंसर बताइए प्लीज। हाँ जी। जैसे आप हम इस मेथड में अभी नए हैं, कुछ लोग माइंड टेक्निक पे काम कर रहे हैं, आपने दोनों केसेस में एक में वन एम पोटेंसी दी और एक में 200 दी आपने, स्ट्रेमोनियम 200 और फर्स्ट जो दी स्ट्रेमोनियम वन एम और दूसरी जो आपने दी वो बैलाडोना 200 में दिया जी बिल्कुल। तो कुछ लोग जो हैं हम जैसे सुन रहे हैं लोगों को, तो कुछ तो 30 और फिर सी और फिर 200 करते हैं, तो आपका क्या मेथड होता है? आपने 200 और 1M से ही दिया, ठीक है, अब उसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पोटेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे पोस्टर पोटेंसी सिलेक्ट करनी चाहिए, पहले आप बताइए तो मैं फिर आपको बताऊंगा। जैसे I am for more than 30 years into the practice and I was doing normal जो therapeutic practice होती है, जैसे हमने पढ़ाई की हुई है वैसे ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल द सिम्टम्स मेंटल फिजिकल जनरल सब कुछ। तो हमारा तो ये मेथड था कि जहां पर मेंटल सिम्टम्स स्ट्रांग हैं और क्लियर हैं तो हम हाइपोटेंसी देते हैं, अभी तक यही करते आ रहे हैं, और जहां पर फिजिकल सिम्टम्स प्रोमिनेंट हैं और ऑर्गेन इन्वॉल्व्ड है तो वहां वी स्टार्ट विद 30 पोटेंसी एंड दिस इज द रूल वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर मेनी इयर्स। बट अब हम जब माइंड टेक्निक के लोगों को सुनते हैं तो वो कहते हैं पहले 30 से ही शुरू करो आप,
फिर 6 पे जाओ, फिर 200 पे जाओ, और आपने सीधे ही 200 और 1M, तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है पोटेंसी को लेके, हालांकि हम अपना मेथड कर रहे हैं जो करते हैं, और ये पढ़ा भी है हमने कि जहां पर बिल्कुल आपका माइंड एकदम मेंटल सिम्टम्स बहुत क्लियर है, क्योंकि वो प्रूविंग में भी मेंटल सिम्टम्स जो है वो हाइपोटेंसी में आए, तो फिर आप थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे प्लीज जी। अब सुनिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हम भी ऐसा ही पढ़े थे कि ओल्ड एज है तो हायर बच्चा, स्लोअर बच्चों में हायर, और क्रॉनिक है तो लोअर, एक्यूट है तो हायर, और ब्ला 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 ब्ला, और सब ब्ला ब्ला ही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गारंटी से कह सकता हूँ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रेमेडी सिलेक्शन, रेमेडी का सिमिलिमम होना, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रेमेडी का, ये होम्योपैथी की सबसे बड़ी लिमिटेशन भी यही है। होम्योपैथी से मैं यूं कह सकता हूं कि कुछ इनक्योरेबल केसेस को छोड़ दें, होम्योपैथी से हर चीज का क्योर संभव है, लेकिन सिमिलिमम का होना जरूरी है। ये प्रूव्ड चीज है और लॉ ऑफ नेचर और अनडिबेटेबल चीज है कि सिमिलिमम है तो हमारा मेडिसिन काम करेगा। पार्शियल सिमिलिमम से पार्शियल पार्शियल होते होते हम वक्त लगा देते हैं, जो जो भी वक्त हमारा लगता है ना, वो पार्शियल सिमिलिमम मेडिसिन की वजह से लगता है, तो पार्शियल सिमिलिमम मेडिसिन भी वर्क करती है, लेकिन मेन जो इफेक्ट होती है वो सिमिलिमम का ही होता है, और तभी हमको जल्दी क्योर, रैपिड डेंटल एंड परमानेंट क्योर तभी मिलता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारा मेडिसिन बिल्कुल सिमिलिमम हो। अब सिमिलिमम है तो किसी भी पोटेंसी में उसे काम करना ही करना है, ये मेरा तजुर्बा है, और मैंने जानबूझ के भी कई बार एक्सपीरियंस किया। जैसे स्किन केसेस में ऐसा कहते हैं, जब सल्फर आती है तो बोला स्किन केसेस में हायर मत तो बोलना एब्रावेशन आ जाएगा। अब एक बार ऐसा हुआ कि यही पेशेंट आया था, सल्फर का स्किन था, टिपिकल सल्फर, मेंटली और फिजिकली सल्फर ही आ रहा था। अब मेरे पास 200 या 30 कोई पोटेंसी नहीं था, सिर्फ सल्फर 1M था, मैंने सल्फर 1M दिया टेस्ट करने के लिए कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम भी तो देखें कि लिखी हुई बातें सही है या गलत है। तो मैंने अप्लाई किया 1M पोटेंसी देखकर, पेशेंट मर जाने वाला तो है नहीं, मैंने 1M पोटेंसी दिया, पेशेंट दूसरे फॉलो अप में बिल्कुल क्लियर होके आया, बिल्कुल रिलीव और बिल्कुल कंटेंटेड मूड में था। तो ये माइथ साबित हो चुका कि भी स्किन केसेस में हायर पे नहीं जा सकते, आपकी रेमेडी अगर सिमिलिमम है तो पोटेंसी असर करना ही करना है। हाँ, अब पोटेंसी का मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, पोटेंसी भी जैसे रेमेडी सिलेक्शन इंडिविजुअलाइज्ड है। अभी मेरा बैटरी ड्रेन हो रहा है तो हो सकता है चालू में बंद हो जाए, 5% रहा है तो मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ये जरूरी नहीं कि जैसे हमारा सिमिलिमम सिलेक्ट करने में इंडिविजुअलाइज, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है कि हर एक का जो रेमेडी है अलग आता है, ठीक इसी तरह लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पोटेंसी में भी एप्लीकेबल है। तो इसका कोई आज तक लॉ नहीं बना, जितना भी है वो सारी थियरीज है, हाइपोथेसिस है, लॉ नहीं, लॉ ऑफ पोटेंसी आज तक नहीं बन पाया और ना ही बन पाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअलाइज्ड चीज है। अगर मेरी भी हायोसाइमस रेमेडी आ रही है, आपकी भी हायोसाइमस रेमेडी आ रही है, तो हो सकता है, पहले तो किसी भी पोटेंसी में देने से सिमिलिमम है तो इफेक्ट करता ही करता है, लेकिन फिर भी परमानेंट क्योर के लिए शायद पार्शियल एक्शन दिया और हमें पोटेंसी चेंज करना है, तो हो सकता है कि मुझे 30 पोटेंसी से टोटल क्योर हो जाए, हो सकता है आपको 200 की जरूरत पड़े, तो ये आपका बॉडी है जो 200 मांग रहा है, मेरा बॉडी 30 में काम हो जाता है, किसी का बॉडी है 6, 1M नहीं चलता, 6 चलता है। मेरा एक पेशेंट था, उसको हायोसाइमस मैंने आके 1M दिया था, कोई इफेक्ट नहीं आया था, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हायोसाइमस के सिम्टम्स आए थे, मैंने 30 दिया, उसका उसको रिजल्ट मिला। तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई पोटेंसी का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, पोटेंसी का इंपोर्टेंस ना होता तो पोटेंसी बनी ही ना होती, सब 30 पे रुक जाती, लेकिन हर की इंड्यूस, इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप एक पोटेंसी दे, आप कंफर्म है कि ये सिमिलिमम ही है लेकिन इफेक्ट नहीं दिखा रहा, तो फिर दूसरी पोटेंसी हायर या लोअर, ऐसा जरूरी कि नीचे से ऊपर ही जाना, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं आप। तो जिस पोटेंसी, ये भी हमने तजुर्बा जैसे बिहार केस में बताया, वो कभी बताऊंगा मैं, तो
उसमें वन एम असर नहीं किया था, कुछ दिन बाद आया 30 दिया तो उसका इफेक्ट होने लगा। तो ये बात होती है इंडिविजुअलाइजेशन की, कि पोटेंसी में भी बॉडी बॉडी पे इंडिविजुअलाइजेशन है कि किसको कौन सी पोटेंसी एग्जैक्टली रास आती है। लेकिन कोई भी पोटेंसी आप अगर दे देते हैं, अगर सी मिनिमम है उसे वर्क करना है, जरूर करना है, ऐसा हमने देखा है। कई बहुत ही कम पेशेंट्स में हमें पोटेंसी इधर उधर करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम केसेस में। तो ये पोटेंसी के बारे में है। बाकी जितनी भी ये लिखी गई है कि पोटेंसी ऐसे सिलेक्ट की जाए, ये महज एक डॉक्टर का अपना तजुर्बा हो सकता है या थियरी हो सकती है। इसका लॉ आज तक कोई बना नहीं पाया और ना ही बन सकता है। आप फिलिप बेली साहब की किताब पढ़ेंगे, बेली साहब कभी भी 1M 200 तो शायद उनकी किताब में लिखा ही नहीं होगा, वो सिर्फ 10M के अलावा अटकते ही नहीं थे। इसके बरक्स आप देखें क्लर्क साहब को, क्लर्क साहब की द प्रिस्क्राइबर पढ़ेंगे आप तो उसमें 3 potency 6 potency 12 से आगे बढ़े ही नहीं है पूरी लाइफ। तो सीमिलिमम होता है, इफेक्ट करना है। बाकी पोटेंसी की सीमिलिमम है, इफेक्ट नहीं आ रहा है, आप कंफर्म है, बार बार घूम फिर के वही रेमेडी आ रही है, तो आप पोटेंसी चेंज करें, आगे पीछे करें, इसमें कोई फिक्स रूल ना बनाए। डियर डॉक्टर, टुडे आई विल डिस्कस विद यू पेट्रोलियम। इन सम केसेस ओनली वी आर एबल टू प्रेस्क्राइब पेट्रोलियम, ओनली वन ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स आई एम एबल टू गेट रिजल्ट्स। इन सेम टाइप केसेस विद सेम वर्डिंग इन मोर देन वन केस रूब्रिक्स हैं इसके, कॉवर्डस ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हर ओपिनियन, कॉवर्डस ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हर ओन ओपिनियन, कि अपनी बात वो रख ही नहीं सकता, इतना डरपोक होता है। एक्साइटमेंट विद इंटरनल ट्रेम्बलिंग इन वर्ड, इतना डरपोक होता है कि कांपने शुरू कर देता है, ट्रेम्बलिंग होने शुरू हो जाती है। हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम के, हेल्पलेस होता है वो, उसमें वो लड़ने की बात कहने की ताकत ही नहीं होती, करेज ही नहीं होता। यील्डिंग डिस्पोजिशन, और वो यील्ड कर जाता है, झुक जाता है, गुस्से में कुछ कह नहीं सकता, अगर कह दिया तो फिर मन पछताने लग जाता है, घबराने लग जाता है कि पता नहीं सामने वाले क्या करेंगे, आओ इनके बिना मेरा गुजारा भी नहीं है, कहीं मेरा साथ मेरे साथ रूट ही ना जाएं, अपनी दवाई भी ना दिवाएं, उसमें कहने की हिम्मत नहीं होती, भाव किसी के आगे झुक जाना, पर अपने उसमें बेबसी झलकती है, उसमें हेल्पलेसनेस झलकती है। डीडी विद पेट्रोलियम इज इग्नेशिया, इग्नेशिया आल्सो इज इन कॉवर्डस करेज नॉन फॉर ओपिनियन, व्हाट इग्नेशिया इज नॉट इन हेल्पलेसनेस फीलिंग माय डियर डॉक्टर्स। सो इसमें जो पेट्रोलियम है उसमें बेबसी, हेल्पलेस उसकी झलकती है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि अपनी बात कहने का हौसला ना होना। इन रिब्रिक्स के आधार पर कितने ही केस ठीक किए।